अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप सबको न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके कमेंट्स के ऊपर है, जो कल वीडियो डाली थी उसके मुतालिक कुछ ये बजीज हैं जी जो टीम कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, उठते हैं मेरे पास, आ जाते हैं, ये देखें कहीं भी नहीं जाते। तो उन कमेंट्स से कुछ सवाल थे लोगों के, जिनके जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, तो मैंने कहा आज की वीडियो डाली जाए और बताया जाए कि कबूतर क्यों भागा, आया है वापस कि नहीं आया। ठीक है, नंबर एक तो सवाल था वहाँ पे कुछ एक लोगों का, ज़्यादा का नहीं। सवाल में था कि जंगली वो कबूतर नहीं था बच्चा, तो उनके लिए वो जवाब है जो कहते थे वो जंगली कबूतर का बच्चा नहीं था। तो यार मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैंने किसी का कुछ लेना है ना देना है, ना मुझे किसी की कोई टेंशन है। ठीक है, जब बच्चा लेके आया था आपको दिखाया, ये जंगली का मीनार से उतारा था बंदे ने, तो मेरे पास आ गया। मैंने कहा चले इसको पालते हैं, रेस्क्यू करते हैं और साथ में टेम भी करते हैं। पाला उसको, बड़ा किया, कुछ एक वीडियोस में वो सही उसका रिस्पॉन्स आपके ऊपर आता रहा है। उसके बाद फिर उसका एक दिन मैंने वीडियो शायद बनाई थी, हाँ यूट्यूब पर है उसका, उस दिन इसी तरह इस तरह कल भाग गया, रिस्पॉन्स नहीं ठीक है, काफ़ी दूर निकल गया लेकिन वापस आ गया। उस दिन मुझे जज हो गया कि ये शायद वापस दोबारा ना आए, तो मैंने उसके बाद तकरीबन उसको नहीं उड़ाया, घर में ही रखा। 2 महीने वो घर में पड़ा रहा है। तकरीबन ट्रेनिंग उसकी ये थी कि घर में जब उसको खोलना केज में, तो उसने हाथ के ऊपर आके बैठ जाना, कभी कभार उसको हाथ पे दाना दे देना, इसके अलावा कोई उसकी प्रेफरेंस नहीं। कभी कभी उसको केज के अंदर ही वो खाता पीता खुद ही था। ठीक है, वो छोटे से में तो जंगली वाला तो यही है कि वो जिसको मानना है माने, नहीं माना ना माने। नंबर दूसरी ये बात है कि जंगली पिजन है, एक बंदे ने ये भी कमेंट किया था कि इसकी जो उड़ान है जिस तरह उड़ रहा है वो जंगलियों की तरह नहीं। अब शेर का बच्चा जब इंसान पालता है वो शेर नहीं रहता है। ठीक है, वो यही है कि आपके तरह ही उसकी एक्टिविटी हो जाएगी, घर में खेलना कूदना, कोई शेरों वाली उसमें इतनी आदत नहीं रहेगी जो आप घर में छोटा बच्चा पालते हो। जो वाइल्ड शेर होगा फिर उसकी तो वाइल्ड वाली है। इसी तरह जंगली जो पिजन होते हैं, जंगली कबूतर, उनकी उड़ान जो उन बोली जाए वो स्पीड होती है जिस तरह उनकी अपनी माहौल में उड़ते हैं, लेकिन जो घर में हुआ है ये कभी उड़ा नहीं। और कल जब उड़ा है वो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में उड़ा है, फर्स्ट टाइम उसकी ज़िंदगी में इतनी फ्लाइट थी। जब से बच्चा वो लिया है मैंने, पाला है, ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना उड़ा है, जो कल की वीडियो में आप देख सकते हैं, कम अज़ कम 10 से 15 मिनट वो उड़ता रहा है, काफ़ी दूर निकलता रहा है। ठीक है, ज़िंदगी को पहली वो उसकी उड़ान थी जो उसने इतनी लंबी भरी है। तो नंबर एक तो है वो जंगली, जिसने माना माने नहीं माना नो इशू। नंबर दो जी, कुछ बहुत से ये भी आए हैं कमेंट्स के, जंगली जी हमने पाला, जंगली वफा नहीं करते, जंगली जितना भी संभाल लो वो वापस चले जाते हैं, भाग जाते हैं, बेवफा होते हैं, यानी कि मेन आ जाए कि जी बेवफा है जंगली कबूतर। तो उनके लिए जनाब वफा तो आजकल इंसानों में भी नहीं है, एक है जानवर गिना जाता है। जानवर क्यों गिना जाता है? इंसान को अल्लाह ताला ने ज़्यादा वैल्यू दी है, दर्जा ज़्यादा अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, सोच दी है, समझ दी है, सब कुछ दिया है कि वो अच्छे के बारे में भी सोच सकता है, बुरे के बारे में भी सोच सकता है। इस सब के बावजूद इंसान धोखा दे जाता है, बेवफाई कर जाता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे अब आजकल तो बेवफाई ये भी चल रही है कि जिसको घर में पाला है कि बेटा अपनी माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ वफा नहीं करता, एंड पे शादी हो जाती है, बेवफा बन जाता है वो। तो कई ऐसी वीडियोस देखी हैं, धक्के देके भाई निकाल देते हैं, सही ट्रीट नहीं करते अपने वालदैन के साथ, ये बेवफाई है जिन्होंने बचपन में पाला है, खिलाया पिलाया, और एंड पे आप उनके साथ ये करें तो ये कहाँ की वफा है? कि ये भी तो बेवफाई है। हम जानवरों को बेवफा कह रहे हैं, पहले खुद भी तो देखें कितनी बेवफाई चल रही दुनिया में इंसानों की, इंसानों के साथ। तो ये तो फिर जानवर है जिनको इतनी समझ नहीं है जितनी कि हमें है, अच्छे बुरे की। ठीक है, नंबर एक ये तो बेवफाई वाला, इनमें कोई सीन नहीं, चाहे जंगली कबूतर है, चाहे आपका घर का पला हुआ है, कोई भी कबूतर है या जानवर जो भी, अगर आप उनके साथ सही ट्रीट करते हो, सही ट्रेनिंग देते हो। अब मेरे वाला क्यों भागा? उसको आपको पता है कि शुरू में भी थोड़ी सी आदत थी, इतनी मैंने टाइम नहीं दे सका, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया बचपन ही में, तो जब मैंने देखा थोड़ा सा उसका मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा,
तो मैंने उड़ाना छोड़ दिया, उसके ऊपर मेहनत छोड़ दी, तो केज में ही रहता था। उसके बाद अभी थोड़ा सा वो मेरे साथ मानूस हुआ, मेरे साथ उसके साथ बैठना, जब वो उसको मैंने खोलना, फ़ौरन से मेरे पास आ जाना, बोलना, काफ़ी हो गया। तो मैंने कहा चलें इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, तो इस वजह से कल छोड़ा। और मुझे आपको मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि मुझे पहले ही पता था कि डाउट था, इतने दिनों बाद छोड़ रहा हूँ तो कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि पहली दफ़ा उसने बाहर देखना है, 2 महीने के बाद उड़ना है, तो मुझे डाउट था कि शायद कुछ ऐसा हो, और वही हुआ है। वो मुझे पहले ही पता था क्योंकि इतने दिन मैंने उड़ाया ही नहीं है। बाकी कुछ किस्मत की भी बात होती है, किस्मत बंदे की अच्छी भी हो और बुरी भी होती है, कि एक चीज़ आपके हाथ में आई निकल जाती है अगर आपके बुरे दिन चल रहे हों, और अगर आपके अच्छे दिन हो तो आपके हर चीज़ जो नाम किस्मत में हो वो भी आपको मिल जाती है जिसकी आपको ख्वाहिश हो। तो लक का भी बहुत इंसान के ऊपर काम करता है। वो ये है कि कुछ एक डेज पहले, 15 दिन पहले, जो रिंग ने थे, एक दफ़ा आपको पहले पता है कि रात भाई रहे सही तरह वापस नहीं आ रहे थे, दिन के वक्त उनको मैं वापस लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब 10 एक दिन पहले फिर घर से एक, आपको पता है कि वो छोटे केज को खुद ही वो उसका डोर ओपन करके उड़ पड़ते हैं, तो छत पे धूप निकली हुई थी उस दिन, तो धूप में उसको रखा, उसने एक ने केज ओपन किया यानी कि डोर उसका, और उड़ पड़ा घर से। अब उसका ये नहीं पता, घर वाले कह रहे जी उड़ गया, आया हूँ देखा है सारी तरह। तो मेरा मेन घरों में घर है यानी कि सिटी के अंदर दरमियान में मैं हूँ, और टोटल एक आबादी है, उसकी साइडों पे फसलें आ जाती हैं, यानी कि गोल चक्कर लगा लेंगे, सारी आबादी है, इलाका है पूरा बना हुआ, टाउन कह लें जो भी कह लें, उसके साइडों पे चारों तरफ फसलें आ जाती हैं। अब घर से उड़ा, अब ये नहीं पता चला कि वो किस हिम्मत में गया है, इस साइड पे आ गया, इस साइड पे, पीछे आगे, कोई उसकी डायरेक्शन का नहीं पता चला उसका। खैर कोई नहीं, मैंने कहा देखते हैं। मैंने पूरा राउंड लगाया बाहर फसलों की तरफ, यहाँ फसलें शुरू हो जाती हैं, विस्लिंग शिस्लिंग की उस शाम को, शाम हो गया था, उड़ा भी शाम के टाइम था, तो काफ़ी मैंने उधर चक्कर चक्कर लगाए, लेकिन एंड क्या हुआ कि मुझे वो नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। काफ़ी मैं उसको देखता रहा, रात हो गई, दिल में था मुझे यकीन कि वो कहीं ना कहीं बैठा होगा, हाथ नहीं किसी का आया होगा, क्योंकि उस रात भी मुझे, एक बंदे को दिल के अंदर उम्मीद होती है, यकीन होता है, उम्मीद कह लिया जाए, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि यार वो कहीं बाहर फसलों में बैठा होगा। सुबह ही है, 11 बजे है, वो वीडियो मैं बना नहीं सका क्योंकि उस दिन मैं खुद स्ट्रेस में था, इस वजह से था कि कुछ टेंशनें थी, और टेंशन इसकी भी आ गई थी कि किसी, मुझे पता नहीं था कि किस तरफ गया है, किस तरफ वो कौन से कॉर्नर पे फसलों पे बैठा होगा, तो बड़ी मुझे टेंशन भी थी, दिल में यकीन भी था, तो उसी टेंशन बनी हुई थी कि पता नहीं है कि वो कहाँ है। रात बाहर उसने गुजारी, ठंड काफ़ी थी, उस रात जब उड़े थे तो पता था कि इस दरख्त पे बैठे हैं, पता सुबह मैं चला गया उसी तरफ तो उसको मिल गए, लेकिन अब ये मसला बनता था कि मुझे पता नहीं था कि वो किस सिमत में गया है। सुबह हुए हैं जी, 9 बजे उठा हूँ तकरीबन, धुंध काफ़ी थी, मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं था, फिर इंतज़ार किया कि धूप निकले, मौसम साफ हो, वो काफ़ी थी, मौसम साफ हुआ तकरीबन 11 से 12 के दरमियान। 12 बजे फिर मैं निकला बाइक ली, एक तरफ से शुरू हुआ जहाँ मैं ट्रेनिंग करवाता था, शायद जहाँ पिछली दफ़ा गुम हुआ मैं वहीं पे गया, मुझे शक था, मैंने शायद इस तरफ आया हूँ, उसी फसलों की तरफ गया जहाँ पे पहले मैं उसकी ट्रेनिंग करवाता था। तकरीबन एक जगह से विस्लिंग करना शुरू हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चलता रहा बाइक पे, विस्लिंग करता रहा सामने से, तो थोड़ा सा काफ़ी आगे ज़रा गया तो विसल मैंने की, थोड़ी सी मुझे तोते की आवाज़ आई, मुझे लगा, मैंने कहा यार यहाँ कहीं बैठा आवाज़ आई है, मैं खड़ा हो गया फौरन से, फिर मैंने विसलिंग की, फिर आवाज़ आई, साइडों पे दरख्त है, पता नहीं था कि किस तरफ है, खुली जगह थी ये नहीं पता, इस दरख्त से आवाज़ आई है, इस तरफ से आई, मैं विसलिंग करना शुरू हो गया, कोई 8 से 10 दफ़ा विसलिंग की है। वो दरअसल मुझे जज कर रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि लोग वहाँ से सड़क से गुजर रहे थे, अचानक से जब उसने मुझे जज किया कि मैं सामने से बोल रहा हूँ, विसल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस वो उड़ पड़ा, जब उड़ा है तो थोड़ा सा बोला तो मैंने भी देख लिया वो उड़ रहा है, फिर मैंने विस्लिंग की, सीधा वो हाथ के ऊपर मेरे आ गया, सीधा हाथ के ऊपर आया। अब मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था कि किस तरफ है किस तरफ नहीं है, रात वो बाहर रहा है, दिन हो गया है, इतनी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, नीचे से जिस दरख्त पे वो बैठा था किसी के हाथ के ऊपर, कंधे के ऊपर जाके वो बैठ सकता था, लेकिन जब उसने मेरी विस्लिंग सुनी 12 बजे, 11 से 12 का टाइम दरमियान में था, फौरन से उसने पहचाना, 3 बंदे उस टाइम मौके पे खड़े थे, खैर मैं वीडियो नहीं बना सका, बनाता तो आपको शेयर करता, लेकिन आपको बताया स्ट्रेस में था, मुझे बस यही कोशिश थी कि मैं कहीं से उसको ढूंढूं।
उस टाइम बंदे को जब बंदा टेंशन में होता है तो कोई चीज़ याद नहीं रहती कि जल्दी से कैमरा निकालूँ, मैं वीडियो बना लूँ, ये वो। चलो एक पहले बंदे ने बायोग्राफी बनाई हो, जैसे कि उस दिन वीडियो में था, मैं चलो सुबह मैं आपको बताऊंगा जिस तरह वापस आएंगे, लेकिन इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा टेंशन में था। तो तीन बंदे थे, फ़ौरन से उड़ के आ गया, किसी के हाथ से नहीं गया, मैं बस खड़ा था, उसने मुझे पहचाना। तो ये आती है वफादारी की, वफा की बात, कि जानवरों को पहचान होती है। होता रात शाम को किसी के घर पे बैठ जाता, सुबह कोई इंसान 100 इंसान गुजरता रास्तों से, तो किसी के पास भी आगे बैठ सकता था, चला जाता उसके साथ ही, उसके घर उतर जाता, लेकिन नहीं, या उसने सुबह मुझे पहचाना तो वापस आ गया। तो बात आती है वफादारी के ऊपर। अब कबूतर पे वापस नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी इस वजह से नहीं पता चला, क्योंकि सुबह से काफ़ी मौसम ख़राब है, कल थोड़ी सी धूप निकली है, आज फिर मौसम वैसे का वैसे ख़राब है, धूप नहीं निकली। तो मैंने ट्राई की, ऊपर से कब्बे चिल्ले इतनी, उसका रंग काला है, जहाँ से कोई दूर देखता हूँ कि उड़ता कोई नज़र आ जाए तो कब्बे ही आगे से निकलते थे, और मौसम ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। कोई आइडिया नहीं है कि अभी तक वो किसी के हाथ आया है, कहाँ फिर रहा है, किस हालत में है, कुछ मुझे अभी तक उसका आइडिया नहीं है। तो मेन पॉइंट पे आ जाएंगे, वो जंगली बेवफा है तो मैं उसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी ट्रेनिंग शुरू से मैंने थोड़ी सी की, उसके बाद फिर मैंने की नहीं। अभी भी मैं घर में थोड़ा सा हाथ के ऊपर आता था, उसी भरोसे के ऊपर ले गया कि बाहर भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा उड़ेगा, आ जाएगा वापस। लेकिन चूंकि आपके सामने थी वीडियो, काफ़ी लंबा उड़ा है, आसमान की तरफ चला गया, दूर दूर निकलना शुरू हो गया, आता था 5-5 मिनट के बाद दूर से निकलता था, वापस आता था उसी जगह पर। तो मेन यही था कि बस, एक तो वो घबरा गया, 2 महीने बाद बाहर निकला है, नई जगह पर निकला है। एक चीज़ होती है, यही ट्रेनिंग का है कि आप डेली डेली उसको लेके जाए ना, डेली, और डेली ट्रेनिंग करें तो आपको, इसी वजह से समझाता हूँ कि डेली नई जगह पे रश में भी करवाएं, घर में भी करवाएं, बाहर भी चेंज जगह कर करके करवाएं, ताकि उसको हर जगह की आदत हो, वो कहीं पे घबराए ना। अब कबूतर का वही सीन हुआ, उड़ा है, नई जगह थी तो उसको नई आइडिया हुआ, आखिर जानवर है, परिंदा है। अक्सर लोगों के घर में जो कबूतर बात समझते हैं कि जिनके घर में छतों पे घर पे लगे होते हैं कबूतर, वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर कहीं लगा भी नहीं था, सिर्फ इसको मेरी थोड़ी सी पहचान थी, उधर भी आपके सामने कितने बंदे थे। तो मैं तो हरगिज उसको नहीं कहूँगा, ठीक है, वफादारी होती है, चाहे वो जंगली कबूतर है। अब ये जो बच्चे होते हैं, ये भी तो बच्चे ही पालते हैं, वो भी बच्चा पाला, चाहे वो जंगली का था, तोते भी तो बाहर जंगलों में निकलते हैं, कोई घर की पैदावार तो नहीं होती, बच्चा लिया है, पाला है, इनको सिखाया, देखें उस दिन उड़ा है तो आपको बताया 12 बजे वापस आ गया। इसी तरह कॉकटेल्स है, आपके सामने 2 महीने बाद छोड़ा है, ट्रेनिंग उसकी शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उसको उड़ाया, काफ़ी प्रैक्टिस दी, हर जगह से दी, बाइक से उड़ाया, अभी उस जगह जब उसकी फर्स्ट टाइम 2 महीने बाद उसको फिर उड़ाया तो कहीं नहीं गया, सीधा रिस्पॉन्स का मेरी तरफ था, ठीक है। अब किस्मत ये भी है कि कॉमन वाइड आपके सामने मैंने ट्रेन की है, एक जब लास्ट उसकी वीडियो भी आपसे शेयर की थी, एक थोड़ा सा ढीला था, बीमार था, आप लोग को बताया कि ये कमज़ोर है, इसकी ट्रीट चल रहा है, तो दूसरा ठीक था, उसकी फ्लाइंग में चेक करवाता रहा। अब होना ये है कि जो ठीक था, उड़ता था, बड़े वाला बच्चा, वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, शायद के में भी उसकी डेथ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा वीक है, आज रात उसकी डेथ हो जानी, जो उसकी कंडीशन है, काफ़ी उसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर है, ये हर इंसान ने, जानवर ने, हर किसी ने एक दिन जाना है, मौत का जायका सबने चखना है। तो किसी का साथ लंबा होता है, किसी का साथ छोटा होता है, कि चंद दिनों का, चंद महीनों का, चंद सालों का, तो हर एक ने जाना है। तो ये है कि जिसके जो बिल्कुल एक्टिव था, उड़ता था, वो तकरीबन काफ़ी बीमार है, और मुझे नहीं लगता आज रात वो बचेगा, और जो बीमार था वो सही हो गया है, जिसको कहने के काफ़ी कमज़ोर था, मैं ट्रीट उसका इलाज कर रहा था, वो बच गया है, और जो सही था वो मर रहा है आज। तो ये चीज़ें होती हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, नुकसान होते रहते हैं, फ़ायदे इंसान के होते रहते हैं, तो किसी को ब्लेम देना या कुछ करना, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, हर किसी से होती हैं, और लेकिन फिर बंदा सीखता भी है गलतियाँ करके। बाकी यही बात करनी थी, काफ़ी मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि यार आपका बर्ड मिलेगा, आ जाएगा वापस, टेंशन ना लें। मुझे भी अभी तक उम्मीद है, दिल में आस है कि अगर कहीं आतना आया हुआ, कहीं भी बैठा हुआ बिल्डिंग पे, मुझे पता हो कि वो सामने बैठा है, तो वो वापस आएगा मुझे देख के, एक यकीन होता है बंदे को, और मुझे है। बाकी किस्मत है, अच्छी भी हो सकती, जिस तरह तोते की ये दफ़ा मेरी किस्मत अच्छी थी, अभी की देख लेते हैं अच्छी, अभी आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद सुबह हो जाए, और ये भी हो जाता है कोई ऐसा लगा बंदा पकड़ लेता है जो मेरा वाकिफ कार हो शहर में, वो मुझे दे जाए। तो
बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू सब लोगों को, टेक केयर। जिसको वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, सबके लिए, मेरे लिए भी। अल्लाह हाफिज़।